साथियों नमस्कार। साथियों कल जो चंडीगढ़ में हुआ है, पुलिस ने काफ़ी लोगों के ऊपर हाथ भी उठाया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन सारी कश्मकश के बाद रात उनको छोड़ दिया गया था और स्वयं के मुचलके पर छोड़ दिया गया था। लेकिन उसके बाद आज रात को फिर कई लोगों को यहाँ छापेमारी की और उनको उठाया, और अब दिन में भी पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है। तो ये बिल्कुल गलत है। जिन लोगों ने बट्टे मारे हैं, जो कल उनकी बात हुई थी वो ये हुई थी कि जिन लोगों ने बट्टे मारे हैं या कोई तोड़फोड़ की है, उन लोगों को आप पकड़ सकते हो अगर आपके पास कोई वीडियो कोई आपको सबूत मिलता है। लेकिन जो लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, अपना रोष प्रदर्शन कर रहे थे, आगे लेट के प्रदर्शन कर रहे थे या वहाँ पे ट्रैक्टर लेके अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों को पकड़ना बिल्कुल गलत है। और हमने प्रशासन से भी बात भी की है और भी हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि तीन चार लोगों को आज पकड़ा है, चलो उनकी हम जमानत करा लें, कोई बात नहीं है, उसके बारे में हम कोई वहाँ पे प्रदर्शन आंदोलन नहीं करेंगे, उनकी जमानत करवा लें, कोई बात नहीं, जो पकड़ लिए हैं चाहे वो गलती पकड़े हैं। हालांकि वो पानी पिलाने वाले थे, वो उनमें बट्टा मारने वाला एक भी आदमी नहीं है जिन लोगों को पकड़ा है। लेकिन उसके आगे जैसे धरपकड़ जारी है, या तो पुलिस उसको तुरंत बंद कर दे, और अगर पुलिस उसको तुरंत बंद नहीं करती है तो फिर हमारी मजबूरी होगी, हमें उस बात के ऊपर एक्शन लेना होगा। और अगर पुलिस कहीं भी दोबारा जाती है, आज अब के बाद कहीं भी दोबारा जाती है, तो वो तुरंत उसकी वीडियो पाके जारी करें ताकि लोगों को सूचना दी जा सके, फिर इकट्ठे होने का प्रोग्राम बनाया जा सके और हमारे जो प्रदर्शन है वो इसी तरह से चलने हैं। हमारे सारे भाई जहाँ जहाँ भी चौकों पे प्रदर्शन करते हैं वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते रहें, ऐसे ही प्रदर्शन करते रहें। और एक कुछ बीजेपी वालों की तरफ से चंडीगढ़ में बात फैलाई जा रही है कि ये किसान नहीं है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, हर भोजन खाने वाले का है। हमारे से 5 रुपये किलो आलू खरीदा है, चंडीगढ़ वालों को 40 रुपये बेचा है। हमारे से 8 रुपये किलो प्याज खरीदा है, चंडीगढ़ वालों को 80 रुपये में बेचा है। ये मसला चंडीगढ़ वालों का और ज़्यादा है, सबका है, ये सबका आंदोलन है, जन आंदोलन है। और अगर किसी के साथ किसी तरह की ज्यादती की तो हम हर आदमी के साथ पूरी तरह खड़ेंगे। चंडीगढ़ वाले भाइयों को हम ये बिल्कुल बता देना चाहते हैं कि हम चंडीगढ़ वाले भाइयों के साथ, और पुलिस किसी तरह की कोई आगे ज्यादती ना करे, इसको तुरंत बंद कर दे, इस मामले को निपटाए ताकि वो भी सुखी रहें और हम भी सुखी रहें और हमारा प्रोग्राम आगे के लिए शांतिपूर्वक चलेगा। कोई हमारा आदमी बट्टा नहीं मारेगा, कोई आगजनी नहीं करेगा, कोई तोड़फोड़ नहीं करेगा, शांतिपूर्वक रहेगा। अगर पुलिस पीटती है तो हमने खड़के पीटना है, हम हाथ नहीं उठाएंगे। सबका धन्यवाद।